बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज पढ़ेंगे हम ट्रैक। 400 मीटर का ट्रैक कैस क्या होता है? ये शक्ल वाजा जो नज़र आ रही है, ये है 400 मीटर का ट्रैक। इसकी कितनी गलियां होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ गलियां हैं इसकी। ये 400 मीटर का ट्रैक है, इसकी आठ गलियां हैं। आप इसको 80.30 मीटर इसकी लेंथ लेंगे और इसकी चौड़ाई जो है वो 36 मीटर लेंगे या 34 मीटर ले लें, कोई भी ले लें, जिससे आप इसकी लंबाई और चौड़ाई बनाने के बाद फिर इसकी कर्व की लाइनें बनाएंगे। कर्व की लाइनें बनाने के बाद इसकी लाइनें भी ये पमाइश करेंगे, फिर उसके बाद हम जीने लगाएंगे कर्व में। ये होता है कर्व, ये वाली चीज़ जो है ये कर्व है, ये चीज़ जो है वो ये कर्व है, और ये भी कर्व है, ये कर्व है। ये आपको वाजिया नज़र आ रहा है, ये ट्रैक है, ट्रैक की गलियां हैं, ट्रैक गलियों के बाद ये कर्व है, और ये कर्व ये ट्रैक ऐसे भी है। और फिर हम देखते हैं ट्रैक के, ट्रैक की गलियां, स्टार्टिंग लाइन कहाँ से है? ये है स्टार्टिंग लाइन, ये स्टार्टिंग लाइन है। ये जीने दिए गए हैं, जीने किस लिए दिए गए हैं? ताकि तमाम खिलाड़ियों का जो फासला है मसावी हो जाए। ये स्टार्टिंग लाइन है, स्टार्टिंग लाइन यहाँ से खिलाड़ी हम एथलीट खड़ेंगे, ये इनकी स्टार्टिंग लाइन, हर एथलीट की स्टार्टिंग लाइन है। कोई भी एथलीट आगे अपना जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं करेगा, कोई भी एथलीट अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा ये स्टार्टिंग लाइन से आगे नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो फाउल है। अगर कोई खिलाड़ी अपनी जो लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन में जाएगा, दूसरी गली में जाएगा, तो वो भी फाउल तसव्वुर किया जाएगा। अगर किसी को धक्का देगा तो तब भी वो फाउल तसव्वुर किया जाएगा। अगर एक एथलीट दूसरे एथलीट को, साथ वाले गली वाले एथलीट को धक्का देगा तो वो भी फाउल तसव्वुर किया जाएगा। अगर उसको ऊपर थूकेगा तब भी फाउल दिया जाएगा। ये जीने हैं, जीने इनको कहते हैं जीने। ये जीने इसलिए दिए जाते हैं ताकि तमाम खिलाड़ियों का फासला, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला खिलाड़ी तो साथ है, साथ ही इधर खड़ा होगा, साथ इधर खड़ा, उस वो इस पास साथ साथ अपनी गली में जाएगा तो सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसलिए आखिरी जो मुश्किल जो आखिरी आठवीं गली का एथलीट है वो इधर खड़ा हो गया स्टार्टिंग लाइन। इस तरह ये ऊपर से होता हुआ घूमता हुआ आएगा, दौड़ता हुआ इधर से दौड़ता हुआ आएगा तो इधर उसकी अंड है, तो उसका फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये जीने देने पड़ेंगे। हमने पहला एथलीट इधर खड़ा करना है, दूसरा इधर, तीसरा इधर इस गली में, तीसरी गली में यहाँ खड़ा करेंगे, और चौथा, फिर पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, आठवां एथलीट आपका इधर खड़ा होगा। ये उसकी स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ से स्टार्टिंग लाइन, ये उसकी स्टार्टिंग लाइन है जहाँ से खड़ा होकर वो फिर जब क्राउच पोजीशन में ये दौड़ेगा, क्राउच पोजीशन में लेगा, और उसके बाद ये अपनी दौड़ का आगाज़ करेगा। इसके बाद ये एक 400 मीटर का पूरा स्टैंडर्ड ट्रैक है, 400 मीटर का ये है फिनिशिंग लाइन। ये जो नज़र आ रही है आपको, ये वाली फिनिशिंग लाइन है, फिनिशिंग, ये 400 मीटर की ये फिनिशिंग लाइन, जो आपने यहाँ से एथलीट दौड़ेगा और दौड़ता हुआ आएगा और यहाँ से चक्कर लगाएगा, लगाने के बाद यहाँ तक उसका 400 मीटर जो रेस है वो मुकम्मल हो जाएगी। इस हमें मुकम्मल ये फिनिशिंग, जो एथलीट पहले पहुँचेगा वह अव्वल पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरह जब दूसरा पहुँचेगा तो दूसरा ये फिनिशिंग लाइन पे को क्रॉस करेगा तो दूसरी पोजीशन, और तीसरा आ जाएगा तो तीसरी पोजीशन हो जाएगी। ये 400 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है। ये इसकी आठ गलियां होंगी, हर गली की चौड़ाई जो होती है, एक गली से दूसरी गली का जो फासला है वो 1.22 मीटर है।
आठ गलियां होंगी, 1.22 मीटर एक गली से दूसरी गली का जो फासला है वो 1.22 मीटर है। 400 मीटर की जो दौड़ है वो हम इस ट्रैक में दौड़ेंगे। आज का ये लेक्चर काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर बाकी नेक्स्ट है। ये आज का ये ट्रैक का खाका मुकम्मल हो चुका है।